नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट जितेंद्र। दोस्तों आपको मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर इंटरनेट से रिलेटेड न्यू जानकारियां लेकर के आते रहता हूं, इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं एक न्यू जानकारी लेकर के फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहिए ताकि हम जितनी भी जानकारियां दें आपको समझ में आ जाए। तो मैं आपको फुल प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि SBI में क्या एक न्यू ऐसा नियम आ गया है जो कि सबके लिए एक अच्छी खबर है और ये होना भी चाहिए। तो आपको मैं अपना वीडियो के जरिए आपको प्रूफ के साथ मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है न्यूज। इससे पहले एक बात और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जितनी वीडियो डालूं सबसे पहले आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है वो न्यूज, अब रात में ATM से पैसे निकालने के लिए OTP। ATM धोखाधड़ी के बढ़ते मामले के बीच देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाया है। इसके तहत SBI ने अपने ATM से रात 8 बजे के बाद 10,000 रुपये से अधिक की राशि निकालने को लेकर ATM OTP यानी कि ऑन टाइम पासवर्ड आधारित निकासी सेवा शुरू करने की घोषणा की है। SBI के शुक्रवार के जारी बयान के अनुसार रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक के लिए यह सेवा 1 जनवरी 2020 से लागू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, 1 जनवरी 2020 से ये नया नियम लागू हो जाएगा। अगर आप अपना ATM से पैसे निकलने जाइएगा तो वो आप अपना मोबाइल नंबर यानी कि मोबाइल साथ में लेकर के जाइएगा जो कि उस बैंक में आपका रजिस्टर्ड है। ये सिर्फ SBI में अभी हुआ है, बाद में सभी बैंक में हो सकता है, लेकिन फिलहाल अब SBI में नियम लागू कर दिया जाएगा 1 जनवरी 2020 से। तो आप जब भी रात को ATM जाइएगा तो वो आपको मोबाइल लेकर के जाना है जिस पर आपको ऑन टाइम पासवर्ड आएगा। तो आप ध्यान रखिए दोस्तों। दोस्तों यही था एक न्यू जानकारी। इसके लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को ताकि सभी को मालूम चल सके और कोई ऐसे बिना पैसे के वापस लौट करके नहीं आए घर। ओके, धन्यवाद।